24 समाचार में आपका स्वागत है। एक तरफ देश में एनआरसी को लेकर देश चहर घोलने प्रक्रिया हो रही है, वहीं यूपी के फिरोजाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने खर्चे पर गरीब हिंदू जोड़ों को हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कराकर मिसाल पेश की है। यूपी के फिरोजाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब एक हिंदू लड़की लड़का को हिंदू रीति रिवाज के साथ सात जन्मों के परिणय सूत्र के बंधन में बांधा। शादी का पूरा खर्चा मुस्लिम समाज ने उठाया है। हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल को देखकर जिला प्रशासन भी हैरत में पड़ गया। समाज के अंदर सभी प्रकार के लोग रहते हैं, पर कुछ लोग कुछ न कुछ अलग कर अपने को फरिश्ते होने का उदाहरण देते रहते हैं। ऐसी ही इंसानियत से भरी मिसाल पेश की चिराग उद्दीन ने और उनके साथियों ने, जिन्होंने एक गरीब परिवार को सहारा दिया और उनकी लड़की के विवाह का खर्चा कुछ लोगों ने मिलकर उठाया, वो भी बिना किसी मजहब को देखे हुए। एक हिंदू परिवार की था शियों को कुछ मुस्लिम भाइयों ने लौटाए और एक हिंदू परिवार की कन्या का विवाह अपनी बहन बेटी समझकर किया। वही इस विवाह ने दो परिवारों को नहीं बल्कि दो धर्मों के लोगों को भी इंसानियत प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ाया है, जिसमें हिंदू परिवार के लड़की लड़की का विवाह भी हुआ और देश भर में दिलों में भेदभाव करने वाले लोगों का करारा तमाचा भी जड़ा है। वही इस विवाह से गरीब लड़की का पिता उसका परिवार तहे दिल से मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद दे रहा है और पूरा परिवार खुश है और यह कहता नहीं थक रहा है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। ऊपर वाला किसी भी रूप में मदद करता है, चाहे मुस्लिम भाई के रूप में या किसी भी रूप में। टीवी 24 समाचार के लिए आगरा मंडल ब्यूरो कश्मीर सिंह के साथ नरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग उद्दीन है। आगे जो शादी हो रही है कहाँ पे और किस तरह से हो रही है? ये शादी मोहल्ला हुसैनी में हो रही है। रेनू और अर्जुन की शादी है। ये बारात बाहर से आई है और ये हमारे कमेटी के लोग मोहल्ला हुसैनी से मोहम्मद माजिद जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इस शादी को कराया गया है और ये एक भाईचारे का संदेश दिया है कि हम सभी समाज के लोग आपस में भाईचारा बनाए रखें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें। यहाँ शादी है, आज आप लोग शामिल हुए, किस तरीके की शादी है, किस तरीके की? यार शादी में दावत खाने आता है आदमी, अभी दावत खाई नहीं, बस खाने जा रहे हैं और वर वधु को आशीर्वाद अभी दिया है। और सबसे बड़ी बात की एक प्रसन्नता की बात है, एक नया परिवार बसने जा रहा है और हम लोग उसके चश्मदीन गवाह भी हैं और उसकी खुशी में शामिल हैं। तो इंशाल्लाह मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप लोग की शादी कामयाब हो और आप लोग एक बेहतर नागरिक बने और एक समाज के लिए जो एक अच्छा संदेश जो एक परिवार के जुड़ने से होता है वो आप दें, आपके बच्चे और आपका परिवार खूब तरक्की करे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका और ये जो शादी है ये कहाँ पे और किसके द्वारा हो रही है? मेरा नाम श्याम है और ये शादी जो है माहिद भाई के द्वारा से हो रही है। जो आए हाँ सब माहिद भाई यानी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है।